सावनेर थाना अंतर्गत कलमेश्वर तहसील के मांडवी शिवार में गड्ढेनुमा तालाब में हाथ पैर धोने गए एक युवक की डूबने से मौत होने की घटना उजागर हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक नरखेड़ निवासी 42 वर्षीय नरेश चंद्रबान रेवतकर 28 जुलाई की सुबह परिवार के साथ कलमेश्वर तहसील के मांडवी शिवार स्थित फार्म हाउस में पिकनिक मनाने हुए आया था। जहां परिवार के साथ दिन भर पिकनिक मनाने के बाद घर लौटते समय यह घटना घटित हुई। घटना की जानकारी परिजनों ने सावनेर पुलिस को दी। पुलिस को जानकारी मिलते ही सावनेर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। नरेश को काफी समय तक तलाश की, लेकिन अंधेरा होने के कारण दूसरे दिन स्थानीय गोताखोरों की सहायता से दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास नरेश चंद्रभान रेवतकर का शव मिला। आगे की जांच थानेदार रविंद्र मानकर के मार्गदर्शन में PSI अरुण राठौर कर रहे हैं। मृतक गड्ढे में पानी को देख पानी में उतरने का मन किया। पानी में उतरते ही नरेश का पैर फिसल गया। परिवार के सदस्य ने नरेश को बचाने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम हुई। मृतक के शव को हित ज्योति फाउंडेशन के हितेश बंसोड़ तथा उनके सहयोगी मदद से शव विच्छेदन के लिए रवाना किया गया तथा शव विच्छेदन के बाद परिजनों को सौंपा गया। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक प्रॉपर्टी डीलिंग व्यवसाय से जुड़ा होने की बात कही जा रही है। BCN न्यूज के लिए सावनेर से किशोर ढुंडेले की रिपोर्ट।